आज जेसीआई कानपुर लवनिया ने अपना इंस्टॉलेशन सेरेमनी स्थानीय होटल में बड़े धूमधाम के साथ मनाया, जिसमें प्रेसिडेंट जेसी नूपुर गुप्ता, सेक्रेटरी जेसी नीतू शुक्ला ने शपथ लेकर अपनी टीम के साथ आने वाले कार्यकाल के बारे में बताया। वहीं डॉक्टर आकांक्षा लुम्बा रही चीफ गेस्ट के तौर पर उनका स्वागत व सत्कार किया गया। देखिए खास रिपोर्ट कानपुर से। नमस्कार, मेरा नाम ऋचा मेहरा है। ये जेसीआई लावण्या संस्था है जो 2004 में चालू करी थी हम लड़कियों ने, और अब ये इसका 20th ईयर है हमारा जेसीआई लावण्या का। इसकी आज हम लोग की 20th इंस्टॉलेशन है, और लास्ट ईयर 2022 की मैं प्रेसिडेंट थी, और ये मेरी आईपीपी हर्षा तलवार थी, एंड ये मेरी सेक्रेटरी नूपुर गुप्ता थी। तो हम लोगों ने बहुत संस्था में सस्टेनेबिलिटी प्रोजेक्ट्स करे, हम लोगों ने बहुत सारे, हमने सदगुरु जी का आशीर्वाद मिलाया, हम लोग को सदगुरु जी को हमने बुलाया, कानपुर में आए, हम लोग ने उनका स्वागत किया अटल घाट में, एंड हम लोगों का IIT में भी सदगुरु जी का सब बहुत अच्छा हुआ, पूरी टीम ने बहुत सहायता दी, पूरे साल बहुत अच्छा चला। अब हमारी 20th प्रेसिडेंट हमारी अब 2023 की नूपुर गुप्ता है। अब आगे हम लोग जो करेंगे वो इनसे समझेंगे कि हम लोग क्या अच्छे काम अब आगे करेंगे विमेन एम्पावरमेंट को लेकर, सस्टेनेबिलिटी को लेकर। थैंक यू नूपुर गुप्ता सब। हम यहाँ पर इंस्टॉलेशन प्रोग्राम कर रहे हैं जिसमें हमारी टीम है 24 मेंबर्स की, हमारी टीम हमने नियुक्त करी है जो कि आज शपथ लेकर 2023-24 के लिए हम लोग काम करेंगे। हम लोग इसमें सोशल प्रोजेक्ट करते हैं, एंड हमारे साथ आज गेस्ट ऑफ द ऑनर में कानपुर ब्लॉगर हैं हमारे साथ, सो वी विल हम उनसे भी आपको मिलवाएंगे। और हमने एक अपना एजेंडा बनाया है कि हम क्या क्या वर्क करेंगे, और जैसे जैसे हम वर्क करेंगे आपको जो भी है खबर मिलती रहेगी। और हम महिला आश्रम जैसे हो गए, और कानपुर गंगा घाट की सफाई के लिए हमने प्रोजेक्ट सोचा है, तो हम अपनी टीम के साथ बस यही वर्क करना चाहेंगे। 2022 में हमारी IPP हर्षा तलवार थी, जो कि कोरोना टाइम में उन्होंने एक बहुत अच्छा टाइम निकाला सबको, उन्होंने अच्छा 22 में भी हमने सदगुरु जी को बुलाया था, एंड काफ़ी सारे सोशल प्रोजेक्ट करे थे, जिसमें कि हम एक वृद्धाश्रम में भी गए थे, एंड स्पेक्ट्रम आपका हो गया वहाँ पे, स्पेक्ट्रिक सेंटर हो गया, वहाँ हमने सोशल किया। हम लोग एवरी ईयर खिचड़ी डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं मोती झील में, जो कि अभी हमारा कल भी है, सेम प्लेस पे ही होता है, और हमने काफ़ी सारे इवेंट करे। हमने लेडीज़ को प्रमोट किया, बिजनेस वुमेन का एक ग्रुप बनाया जिसमें कि सारी वर्किंग वुमेन्स अपना सारी एंटरप्रेन्योर्स जो थी हमारी लावण्या की, उनके लिए एक सेपरेट ग्रुप बनाया गया 2022 में, जिसमें वो सब जुड़ी और सब अपने अपने बिजनेस सब लोग प्रमोट कर सकते हैं, और आगे उसी चेन को हम लोग फॉलो करते हुए और उनके लिए स्कीम्स हैं या जो भी हम करना चाहेंगे अपना बेस्ट देंगे। शहर के अलावा देहात में भी कोई कार्य करेंगे आपकी जैसे? अभी हम सोच रहे हैं, हाँ बिल्कुल, अगर ऐसा कुछ आगे हमारे पास अपॉर्चुनिटी आती है तो वी विल श्योरली डू।